बहुत कोशिश करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अंडर वाटर फेस टनल में, और यहाँ पे हम लेते हैं टिकट। टिकट लेने के बाद मैं आप सबको ले चलूँगा अंदर। अंदर का नज़ारा जो होगा बहुत ही शानदार होने वाला है। टिकट हम ले चुके हैं, फाइनली टिकट लेने के बाद हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद मैं आप सबको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। और अंदर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अंडर वाटर टनल, जिसमें कि फिश एक्वेरियम भी बनाया गया है और बहुत सारा चीज़ रखा गया है। तो यहाँ से फाइनली स्टार्ट हो रहा है। हमें सबसे पहले एक फ़िश नज़र आती है जो कि बहुत ही छोटी फिश होती है। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। इस फिश को आप देख रहे हैं, इसकी हाइट थोड़ा छोटा है बट देखने में बहुत ही स्मार्ट लग रहा है, और लाइटिंग को इसमें तो और ज़्यादा चमक रहा है। चमकने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है। और इसके बाद मैं आप सबको ले चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप चलिए, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही है बट वहाँ पर मछलियाँ चेंज है, जो कि कोई और कलर में है। और यहाँ पे आप सबको रेड कलर में मछलियाँ दिख जाएंगे। ये भी रेड एंड ब्लैक में है बट लाइट की वजह से, और यहाँ पे वाइट और रेड, इसमें भी लाइटिंग की वजह से रेड दिख रहा है बट कि वाइट कलर की मछलियाँ हैं और बहुत ही शानदार दिख रही हैं। इधर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं। चलिए मैं आप सबको आगे ले चलता हूँ आगे। और ये रही आपकी रेड फिश, सारे आपने देखा नहीं होगा, अगर देखा है तो पहले यार कहाँ पर देखा है हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वाइट एंड रेड, मतलब हाफ रेड और हाफ वाइट कलर की। वाह क्या नज़ारा है भाई, देख के तो मज़ा ही आ गया। फिर हमारे पास और एकदम छोटी वाली मछली दिखी, इसका नाम तो हमें पता नहीं है, मतलब नाम तो किसी का भी हमें पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। गाइस हम लोग वीडियो देख के यहाँ पे आए थे वीडियो बनाने के लिए, बट यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि मतलब लग रहा था कि यार जो दिखाया गया है वो फेक है क्या, बट हमें पता चला है कि अंदर जाने के बाद से आपको और नज़ारा दिखाया जाएगा। अभी ये स्टार्टिंग का नज़ारा है, जिसे देखने के बाद आपको अंदर जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि आप अंदर जाएं और अंदर का नज़ारा देखें। ये सारी एक्वेरियम मतलब ये बाहर है, मतलब अंदर में ही है जो पहले है, और जो इसके बाद का नज़ारा होगा वो बहुत ख़तरनाक होने वाला है। और आप ऐसी मछली देखे होंगे, देख लीजिए इन मछलियों को, देखिए ये है जो कि क्रेब, मतलब जो गांव में लोग केकड़ा बोलते हैं उस टाइप की मछलियां हैं। और यहाँ पे अपनी स्टारफिश को देख रहे हैं आप सब। फिर ये है सबसे बड़ी मछली, अभी इससे भी बड़ी मछली आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं इससे भी बड़ी मछली है कि नहीं है, शायद है, रखी गई है, हमें नज़र आ रहे हैं बट वीडियो में आप सबको दिखा रहा हूँ, वीडियो बने रहिएगा। सबसे बड़ी मछली, अभी ये हम चुके हैं अंडर वाटर टनल में आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है गाइस, और यहाँ पे शोर शराबा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ आपको पूरा टोटली चीज़ दिखाएंगे, इसके अंदर का जो नज़ारा है। यही देखकर हम लोग वीडियो वहाँ पे पहुँचे थे, बट हमें अंदर जाने के बाद पता चला कि लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ सीन है या नहीं है। फिर हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि नहीं ऐसा है, और हम अंदर बहुत से लोग आए हुए थे। इसमें तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है बट व्यवस्था किया गया है ताकि हमें गर्मी ना हो। मैं अंदर की तरफ आप सबको ले चल रहा हूँ, अंदर का नज़ारा देखते रहिए, क्या नज़ारा है भाई। सच में यार इन लोगों ने बहुत मेहनत किया यार, एक वीडियो को लाइक जरूर बनता है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा वीडियो को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अभी मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, इधर यहाँ पर एंडिंग पॉइंट हो गया, इसके बाद इधर बाहर जाने का है, बट मैं आप सबको एक और चीज़ दिखा रही हूँ। सबसे बड़ी मछली जो कि इस एक्वेरियम में सबसे बड़ी मछली यही है, इससे भी बड़ी अगर मछली होगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगा। हाँ इससे भी बड़ी एक मछली है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, उस मछली को भी दिखा रहा हूँ। इधर भाई लोग हैं, बहुत से लोग हैं, देखा सबसे बड़ी मछली, इस एक्वेरियम की सबसे बड़ी मछली। देखिए नीचे एक बैठी हुई है, ऊपर एक थी, सेम यही मछली, यही मछली जो है नीचे थी, और यही ऊपर भी है। गाइस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।